नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर इसी प्रकार की नई नई वीडियोज लाता रहता हूं दोस्तों। अगर आपका दोस्तों जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर खो गया है या कहीं गुम हो गया, या फिर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है, अगर आप लिंक कराना चाहते हैं, अगर लिंक कराने के लिए आप शॉप पर जाते हैं तो शॉप पर आपसे कुछ ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं दुकानदार जो होते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर आपसे अगर लिंक करवाएंगे तो आपसे 200 रुपये से कम नहीं लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपने देख लिया तो दोस्तों आपके कुछ ही पैसे लगेंगे और आपका जो ये आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा दोस्तों। जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ कुछ ही चार्जेस लगते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते दोस्तों। चार्जेस क्या लगते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को फुल कंप्लीट देख लीजिएगा दोस्तों, आपको सारा जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार की नई नई वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर लिख देना है uidai.gov.in, ठीक है ना दोस्तों। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, gov.in। इतना लिखने के बाद आपको सर्च पे एंटर मार देना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इतना ही लिखना है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही आप दोस्तों सर्च पर एंटर मारेंगे दोस्तों, आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी सिंपली पहले नंबर पर दोस्तों। और पहले नंबर पर खुलने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली से इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखना, आपका मोबाइल नंबर आसानी से यहाँ पर लिंक हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा खुलने पर थोड़ा टाइम ले रही है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर YouTube से लेटेस्ट वीडियोज डालता हूँ, टेक्निकल वीडियोज डालता हूँ, कोई सा भी इंफॉर्मेशन का जो वीडियो जो होता है, अगर मेरे चैनल से के माध्यम से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थोड़ा समय लग रहा है तो दोस्तों मैं वीडियो को स्किप किए देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो वेबसाइट खुल चुकी है और इसमें आपको क्लिक करके मतलब मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली से आपको ऑर्डर आधार रीप्रिंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे का जो पेज है वो लोड लेगा दोस्तों, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको रजिस्टर्ड कैसे करना है अपना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया है आधार नंबर। तो सिंपली से आपको 12 अंक का आधार नंबर यहाँ दे देना है, और देने के बाद आपके सामने एंटर कोड मांगेगा दोस्तों। तो कोड क्या है दोस्तों, ये जो नीचे लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा है सही से तो इसको लिख दीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो इस रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद दूसरा कोड आ जाएगा, उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इतना सारा करने के बाद अब आपकी बात आती है कि आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड पर नहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद करना क्या है, यहाँ पर इतना सारा कुछ देने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आधार कार्ड नंबर एंड सिक्योरिटी कोड देने के बाद सबसे नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको 6 अंक का OTP मांगेगा दोस्तों। जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया होगा उसी मोबाइल नंबर पर वो OTP गया होगा। जैसे ही आप OTP देने के बाद सबमिट करेंगे दोस्तों, फिर आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आपको 50 रुपीज़, सिंपली 50 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आधार की ऑफिशियल वेबसाइट खाली 50 रुपीज़ लेती है कोई सा भी अपडेट आपको सुधार करवाना हो तो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको फिर भी कोई भी पेमेंट कटवानी है, दिक्कत हो रही है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वीडियो दे दूँगा दोस्तों। वहाँ पर पेमेंट कैसे करानी है उसमें सारा कुछ बता रखा है दोस्तों, प्रोसेसेस कि आधार कार्ड जो रिप्रिंट है आपको आधार कार्ड कैसे मंगवाना है दोस्तों। उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर आपको सारा उसी प्रकार करना है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।